नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बी डी आर डी ट्यूटोरियल में और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे सकुशल होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन डेज हंड्रेड एंड फिफ्टीन रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स स्टेप नंबर टू अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेप नंबर वन के बारे में कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने के कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जो कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए और उन क्राइटेरियाज़ को फुलफिल करने के बाद ही आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं और किस किस चीज़ों में हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो विद इन हंड्रेड एंड फिफ्टीन इंडे हंड्रेड एंड फिफ्टीन के परव्यू में नहीं मानेंगे तो ये सब हमने पिछले क्लास में कवर किया था और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज कवर करने वाले हैं स्टेप टू ऑफ इंडेस हंड्रेड एंड फिफ्टीन तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही रेलीवेंट स्टेप है दो बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा कवरेज होगा इस स्टेप का पर बहुत ही रेलिवेंट स्टेप है फॉर फर्दर स्टेप्स जो कि हमारे इस फाइव स्टेप मॉडल में कवर होने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा दोस्ट हु वॉन्ट टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश

नॉन एप्लीकेबिलिटी जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कुछ इंडेक्स एग्जिस्टिंग इंडेक्स चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर नेचर ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस में तो वो जो है वो इसमें कवर नहीं होगा वो उसे ओवरलैप ये इंडेक्स जो है वो उसे या एक इंडेक्स जो है वो दूसरे इंडेक्स को ओवरलैप ओवरलैप नहीं करेगा तो लीजिस के केस में जो है वो ये एप्लीकेबल नहीं होगा देन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स केसेस में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा फिर हमने पढ़ा था कि ज्वाइंट वेंचर हो गया कंसॉलिडेशन हो गया या सेपरेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए उस केस में भी जो है ये इंडेस हंड्रेड एंड फिफ्टीन एप्लीकेबल नहीं होगा इसके अलावा अगर बाटर सिस्टम है या नॉन मोनिटरी एक्सचेंजेस हैं बिटवीन द एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस तो इंडेक्स हंड्रेड एंड फिफ्टीन भी उस केस में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा देन हमने पढ़ा था कि एक फाइव स्टेप मॉडल है और पांच जो रिवेन्यू है जो ट्रांजेक्शन होगी उसको पांच पांच समीकरण से गुजरना होगा इन ऑर्डर टू रिकोगनाइज इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द एन टी टी तो वो पाँच स्टेप्स हमने पाँच स्टेप्स हमने एक स्टेप जो पिछले क्लास में कवर किया था जो था आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर और इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं आइडेंटिफाइंग दि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आफ्टर हमारे तीन स्टेप्स रहेंगे डिटर्माइन द ट्रांजेक्शन प्राइज एंड एलोकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइज इन टू द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन एंड देन दा लास्ट वन इजे रिकोगनाइज रिवेन्यू वैन और एस इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ही रिलिवेंट स्टेप रहेगा हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन है एंड क्या क्या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑप्लीकेशन है तो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्टेप का यही होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है एंड कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो यही चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप को सिंपली तो परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन इज डिफाइंड एज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज इट कैन बी एक्सप्रेसिटली स्टेटेड इन द एग्रीमेंट और कैन बी अनुप्लाइड तो सिंपली जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो गुड सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें जो है वो कस्टमर को या कंज्यूमर को जो है वो गुड्स प्रोवाइड करने हैं या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है ये जो है वो स्पेसिफिकली मैंशन हो सकता है एग्रीमेंट में या फिर एम्प्लाइड भी हो सकता है या एम्प्लॉयड कहें तो मतलब आपस में ंग पार्टी के बीच में जो है वो एग्रीमेंट होता है एज अ कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस तो सिंपली uh, जो ऑब्जेक्टिव है इस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसेशन को आइडेंटिफाई करने का हमें मेनली ये देखना होता है किस ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी टू प्रोवाइड गुड्स टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है अगर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है देन रिवेन्यू जो है वो रिकोगनाइज हो जाएगी जब गुड्स uh, जो है वो डिलीवर हो जाएंगे कस्टमर को या जो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी और अगर सेपरेट परफॉर्मेंस अपलिकेशन हैं तो रिवेन्यू जो है वो एलोकेट होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी या जैसे जैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स होता रहेगा तो ये हमारा जो है वो इस स्टेप का मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो यहां जैसे आप पढ़ सकते हैं गुड्स और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन में हमें ये देखना होगा कि जो सर्विस और गुड्स हैं जो परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स और सर्विस हैं वो जो है वो सिंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन है या एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन है तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन है तो सिंपली जैसे ही आपका ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होगा आप रिवेन्यू रिकनाइज कर लेंगे रेवेन्यू से मेरा मतलब है कि थर्ड स्टेप दैट इज डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस जो आप स्टेप uh, के बाद करेंगे और अगर इन केस ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं देन हमें ये देखना होगा कि उन सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन में रिवेन्यू जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी जो हमारा फोर्थ स्टेप हो जाता है एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन तो यहां आप जैसे देख सकते हैं गुड और सर्विसेज इज डिस्टिंग अगर वो कैपेबल है बीइंग डिस्टिंक्ट जैसे कि आप एक फोन ले रहे हैं और एक चार्जर ले रहे हैं आपको एक फोन की रिक्वायरमेंट है और एक चार्जर की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है वो फोन जो है वो अलग स्टोर से भी ले सकते हैं और चार्जर जो है वो अलग स्टोर से ले सकते हैं या दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं या अलग अलग शॉप से ले सकते हैं या अलग अलग वेंडर से ले सकते हैं एंड डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नेचुरली जो है वो सर्विसेज हो हों या डिस्टिंक्ट गुड्स हों तो आइए चलिए देख लेते हैं कि किस किस केसेस में जो है वो ये माना जाएगा कि अ गुड और सर्विसेज इज अपेब इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट तो इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट अगर कस्टमर कैन बी बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन और विद द रिसोर्सेज डेट आर रेडली अवेलेबल टू द कस्टमर अब कौन कौन से या फिर जो एंटिटीज के प्रॉमिस हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हों फ्रॉम द अदर परफॉर्मेंस अब किस केसेस में ये माना जाएगा कि कस्टमर जो है वो बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन अगर तो आ, जो गुड्स और सर्विसेज अगर कस्टमर ने लिए हैं और उसको किसी को रिसोल्ड कर रहा है या किसी को दोबारा बेच रहा है उसमें उसको फायदा हो रहा है या फिर अगर वो सर्विसेज और गुड्स को होल्ड कर रहा है तो उससे उसको जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं तो इस केसेस में माना जाएगा कि कस्टमर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन यहाँ पे नीचे मैंने जो डेफिनेशन है रेडली अवेलेबल रिसोर्सेज की वो नीचे मेंशन करी हुई है आप इसे पढ़ लीजिएगा सिंपली है रेडली अवेलेबल रिसोर्स इज अ और सर्विसेज दैट इज सोल्ड सेपरेटली और अ रिसोर्स दैट द कस्टमर हैज ऑलरेडी अपटेन फ्रॉम द एंटिटी और फ्रॉम दी अदर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स तो सिंपल डेफिनेशन है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग दानसेप्ट की क्या होता है ये एक डेफिनेशन है आप प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा स्क्रीन लेके नाउ मूविंग ऑन हमें ये देखने हैं कि वट आर द फैक्टर्स जो कि हमें कंसिडर करने होंगे ये डिटरमाइन करने के लिए वेद आर द गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स और सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर्स प्रॉमिस तो ये देखना होगा कि उस केस में क्या क्या फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने होंगे तो तीन फैक्टर्स हैं बेसिकली फ्रेंड्स जो हमें कंसिडर करने होंगे सबसे पहले देखना होगा कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो इंटर इंटीग्रेटेड uh, तो नहीं है मतलब वो किसी एक आउटपुट सर्विस का इनपुट तो नहीं है सेकंड uh, 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 एक सर्विस या एक गुड्स जो है वो दूसरे सर्विस और गुड्स को जो है वो मॉडिफाई या कस्टमाइज तो नहीं कर रहा है ये भी देखना होगा एंड द थर्ड वन इज दे आर नॉट इंटर इंटर रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो दोनों में जो है वो वो जो है इंटर रिलेटेड ना हो और एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो तो ये तीन फैक्टर्स जो है वो हमें देखने होंगे वाइल कंसिडरिंग वेदर द गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट और नॉट तो सिंपली हम देख ले यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड जिससे ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगा तो एक कंपनी है टेलीकॉम कंपनी है वो आ, बी को जो है वो डिलीवरी करती है एक मोबाइल की एक मोबाइल देती है और एक टू ईयर्स का वॉइस एंड डेटा सर्विसेज देता है तो हमें यह देखना होगा कि डिलीवरी ऑफ मोबाइल और वॉइस एंड डेटा सर्विसेज जो हैं वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन है और या फिर एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन है तो हमें दोनों देखने होंगे और दोनों जो है वो फुलफिल होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है दोनों फुलफिल होने चाहिए तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे जो दोनों क्राइटेरियाज हैं इन ऑर्डर टू सेटिसफाई दैट दे आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया मन हमें देखना होगा कि क्या मोबाइल जो है वो आगे कस्टमर रीसेल कर सकता है बिल्कुल कर सकता है फोन के साथ भी कर सकता है और अगर उसने ये सर्विसेज ली है उसके साथ भी जो है वो सर आगे रीसेल कर सकता है सेकेंड वन इज की जो बी है वो बी यानी जो कस्टमर है वो अल्टरनेटिव रिटेल वेंडर से या किसी और शॉप से भी ये फोन ले सकता है एंड द थर्ड वन इज जो आपकी वायरलेस सर्विसेज हैं वो जो है वो आप दूसरे मोबाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं तो जो आपका क्राइटेरिया वन है वो फुलफिल हो जाता है दैट इज डिस इट इज कैपेबल ऑफ बींग डिस्टिंक्ट अब हमें देखना होगा कि वेदर क्राइटेरिया टू इज बींग फुलफिल्ड और नॉट तो सिंपली uh, जो वायरलेस uh, सर्विस है और मोबाइल है वो अलग अलग इनपुट्स हैं दे आर नॉट इनपुट्स टू अ सिंगल एसेट ठीक है और नाइदर द मोबाइल और नॉर वायरलेस सर्विसेज़ सिग्निफिकेंटली ये दोनों एक दूसरे की एक दूसरे को जो है वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज भी नहीं कर रहे हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है और इंटर रिलेटेड भी नहीं है तो यहाँ हमारा जो है वो सेकेंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है तो इस एग्जाम्पल में जो जो हमारी दो सर्विसेज हैं डेट इज डिलीवरी ऑफ मोबाइल एंड द वायरलेस सर्विसेज फॉर टू ईयर्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर टू ईयर्स दे बोथ आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑप्लीकेशंस तो आ, इसकी जो रिवेन्यू रिकोगनाइज होगी वो अलग अलग hmm, होगी वो अलग अलग होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगी जैसे डिलीवरी ऑफ मोबाइल के टाइम पे जो है वो रिवेन्यू रिकोगनाइज हो जाएगी जो भी उसका ट्रांजेक्शन प्राइस होगा एंड जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो रिवेन्यू होगी वो रिकोगनाइज हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि एक साल में uh, जैसे कि वन थाउजेंड अगर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है तो फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड डिफरेंट टू ईयर्स में जो है वो रिकोगनाइज हो जाएगी तो एक एक सिंपल एग्जाम्पल था इन ऑर्डर टू बूस्ट अप योर इन ऑर्डर टू बूस्ट अप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स uh, यहाँ पे है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो एंटर करती है कम एक रीसेलर के साथ रीसेलर क्या होता है कि आपसे एक पर्टिकुलर सेलर से जो है उसने प्रोडक्ट uh, ले लिया और आगे कस्टमर को एंड कस्टमर्स को जो है वो आगे रिसेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट तो उसको रिसेलर कहते हैं तो यहां पे एक्स जो है वो एक रीसेलर डी को से कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो रीसेलर डी है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो है वो आगे एंड यूजर्स को बेचता है इसके अलावा जो एक्स है ही यूज टू प्रोवाइड फ्री टेलीफोन सपोर्ट टू एंड यूजर्स विदाउट इन्वॉल्विंग रीसेलर ये वो अलग से करता है उस कमीशन एजेंट को जो है वो एड नहीं करता है इसमें तो हमें यह देखना होगा कि इसमें दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो रही हैं आपकी एक टेलीफोन सपोर्ट की और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की तो हमें यह देखना होगा कि वेदर दे आर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और दे आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो ये देख लेते हैं कि इस केस में ये सिंगल रहेगा या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेगा तो जो आपका रीसेलर है अगर वो किसी एंड कस्टमर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज या इस केस में अगर वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यूजर्स को तो रीसेलर और एंड यूजर्स के बीच में जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो इन दिस केस टेलीफोन सपोर्ट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्यों होगा जैसा कि मैंने पहले बताया कि रीसेलर और एंड यूजर्स जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है एंड जो uh, आपका डिसाइड हुआ है जो मतलब एक्स ने प्रॉमिस किया है टू प्रोवाइड फ्री टेलीफोन सपोर्ट टू द एंड यूजर्स वो तब करा है जब आपका जो कंट्रोल है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से वो जो है वो ट्रांसफर हो गया है रीसेलर को ठीक है जो आपकी ओनरशिप है वो खत्म हो गई है तो आपके पास जो आपका पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था आपके पार्ट में जो आपको रीसेलर को करना था दैट इज द डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वो खत्म हो गया है तो उसके बाद जो है वो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टेलीफोन सपोर्ट सर्विस जो एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो ओनरशिप अगर खत्म हो गया है तो आपकी जो है वो न्यू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है आपके ऊपर जो कि है फ्री टेलीफोन सपोर्ट टू दी एंड यूजर्स तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि टेलीफोन सपोर्ट जो है वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा ना कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड तो एक कार मैन्युफेक्चर है एस जो कि फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है दो साल के लिए टू एंड कस्टमर्स ऑफ द डीलर हु परचेज वहीकल्स तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो डीलर को है वो गुड्स जो है वो गाड़ी प्रोवाइड करता है गाड़ी डिलीवर करता है बट जो उसके एंड यूजर्स हैं जिनको वो डीलर जो है वो गाड़ियाँ दे रहा है उसको वो दो साल की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस सर्विसेज यहां एक बात इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि दो साल की जो फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज है वो स्पेसिफिकली जो है वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है बट इट इज मैंशनड इन दी कार मैन्यूफेक्चर एस एडवर्टीजमेंट फॉर व्हीकल्स उसकी एडवर्टीजमेंट में ये मैंशन है बट उसका जो एग्रीमेंट है उस पर यह मैंशन नहीं है तो हमें ये देखना होगा कि जो वो मेंटेनेंस सर्विसेज़ दे रहा है एंड जो वो कार डिलीवर कर रहा है वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन है तो मेरा आंसर यही इसका आंसर यही है कि ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेंगी अब क्यों रहेंगी ये रीजन हम देख लेते हैं तो डिलीवरी ऑफ कार एक अलग परफॉर्म परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई कार मैन्युफैक्चरर के पार्ट में जो वो डीलर के साथ कर रहा है डीलर को वो आ, कार आ, दे रहा है कार की जो ओनरशिप है वो डीलर के पास ट्रांसफर हो रही है एंड द सेकेंड वन इज मेंटेनेंस सर्विस जो वो एंड यूजर्स को दे रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स तो इस केसेस में हम देख लेते हैं कि रिवेन्यू जो है रिवेन्यू यानी ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो कैसे एलोकेट होगा तो डिलीवरी ऑफ कार के संबंध में जो रिवेन्यू होगा वो तब रिकॉग्नाइज होगा व्हेन द ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर तो जो ओनरशिप है वो अगर कार मैन्युफैक्चरर से डीलर को मिल जाती है तो आपकी जो है वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी एंड मेंटेनेंस सर्विस के केस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रपोर्शनेटली जो दो साल की आपकी सर्विस कॉस्ट होगी वो जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रेवेन्यू फ्रॉम द मेंटेनेंस सर्विसेज रिकॉगनाइज एट द टाइम ऑफ़ प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस सर्विसेज टू द कस्टमर तो ये कुछ तीन चार एग्जाम्पल्स थे बहुत ही सिंपल स्टेप है और बहुत ही रेलिवेंट स्टेप है और ये तीन चार एग्जाम्पल्स थे जिससे जो है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगा मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छे लगी हों तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच